Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. As you have seen the previous lecture that I have started a new subject of ortho, jiske previous lecture mein maine what is a fracture or the classification of fracture discuss kiya tha, theek hai? And from today onwards in the coming 1 week I am going to share with you the entire फ्रैक्चर्स जो कि एग्जाम बेस्ड बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कोल्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, रिब्स, हिप बोन, एंकल एंड व्हाट नॉट, ठीक है? ये सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो, एक छोटा सा काम है, आप भी इस मेडिक्योर बडी की फैमिली का पार्ट बन सकते हो by just clicking on the subscribe button. So please, please, please subscribe as soon as possible. Let's get started. First of all, let's discuss the definition of green stick fracture. ठीक है? तो green stick fracture term से आप समझ सकते हो that green stick, अगर कोई green plant की stem है और वो जैसे bend हो जाती है और उसमें crack appear हो जाता है, अगर आप उस पर force apply करो, वैसे ही बिल्कुल ये फ्रैक्चर होता है, ठीक है? छोटे बच्चों की बोन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इस वजह से उनकी बोन ब्रेक करने की जगह बेंड हो जाती है, ठीक है? और उसमें क्रैक अपीयर हो जाता है, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है? मोस्ट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो चिल्ड्रन में देखे जाते हैं एंड एट 10 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है? 10 ईयर्स ऑफ एज में ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है. दिस टाइप ऑफ ब्रोकन बोन मोस्ट कॉमनली अकर्स इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्टर. जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन्स होती है एज कंपेयर टू द बोन्स ऑफ एडल्ट, इसलिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज्यादातर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक है? नाउ लेट्स सी द इमेज. दिस इज हाउ द बोन लुक्स लाइक. देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ है एंड ये बोन थोड़ी सी बस स्लाइटली ट्विस्ट हो गई है, ठीक है? सो दिस इज हाउ द इमेज ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर लुक्स लाइक. मूविंग ऑन, अब हम कॉजेस की बात करते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फ्रैक्चर हो सकता है. तो अब छोटे बच्चे हैं तो वो कभी खेल गए थे, गिर गए, ठीक है? तो उनको ये फ्रैक्चर ज्यादातर खेलने के दौरान कभी फॉल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से हो सकता है. मोस्ट कॉमनली ये आर्म में होता है. क्यों होता है आर्म में? बिकॉज आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप कभी गिरे होगे तो आपने देखा होगा हम हमेशा अपने हाथ को आगे कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा चोट ना लगे, ठीक है? सो ये फ्रैक्चर ज्यादातर आर्म में देखने को मिलता है और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का रिस्क हायर होता है चिल्ड्रन में, जिस वी हैव ऑलरेडी सीन that their bones are more softer and flexible. Talking about the symptoms, we have already seen in the image that वहाँ पर deformity मिलती है, ठीक है? Pain मिलता है. Obviously अगर कोई जगह है वहाँ fracture हो गया तो person pain experience करता है और fracture की बहुत prominent sign है swelling, ठीक है? So these are the symptoms that will be observed. Talking about the diagnosis, for the diagnosis we can go for x-ray. हम x-ray करा सकते हैं, we can go for CT scan or either ultrasound as well. Moving on, let's discuss कि हम treatment कैसे करेंगे उस fracture का, ठीक है? तो basically क्या किया जाता है, bone को आप doctor के पास जाओगे तो doctor bone को straighten कर देते हैं, ठीक है? और वो एक कास्ट अप्लाई कर देते हैं उसके अबाउट, जिसकी वजह से वो जगह इमोबिलाइज हो जाती है, मूव नहीं करती है और उस तरीके से फ्रैक्चर का यूनियन इजिली हो जाता है, ठीक है? एक्सरे हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ मंथ्स के बाद एक्सरे प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक्सरे करवा के, डायग्नोसिस करवा के ले आओ, सो दैट दे कैन चेक दैट वेदर एवरीथिंग inside is fine or not, ठीक है? तो these are the treatment procedures. इसके अलावा कई बार anti pain, मतलब जो pain appear ना हो उसके लिए
मेडिकेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स को, एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं ताकि पेन ना हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट अबाउट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आप अभी स्क्रीन पर मेडिक्योर बॉडी चैनल का एक लोगो देख सकते हो। प्लीज 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो जो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रही है उस पर क्लिक कीजिए और आप उस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज जो एंटायर फ्रैक्चर के लेक्चर्स आने वाले हैं वो उसी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज 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 बिकम अ पार्ट ऑफ मेडिक्योर बॉडी फैमिली सून। थैंक यू।